जब प्रधानमंत्री अपने पद की गरिमा को भूलकर उलझलूल बातें करते हैं, उलझलूल टिप्पणियां करते हैं, तो सुनने को भी तैयार रहे, हम उनकी बिल्कुल इज्जत करते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये छुई मुई बन के प्रधानमंत्री जी क्यों रहते हैं? आप छुई मुई हैं क्या? अरे आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपकी 10 आलोचना करी जाएगी, आपसे 10 सवाल पूछे जाएंगे, देश ने आपको चुनकर इतने सर्वोच्च पद पर बिठाया तो आपकी जवाबदेही तय नहीं होगी। एक सवाल पूछ लो तो प्रधानमंत्री की बेइज्जती कर रहे हैं, एक सवाल पूछ लो तो इसका बदला कौन देगा? अरे कब तक अपने बददिमाग प्रवक्ताओं के पीछे छुपे रहिएगा? और ये छुपे रहने की आदत छोड़ दीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जब वैधव्य झेलती हुई हमारी प्रेसिडेंट को कांग्रेस की विधवा कहते हैं, और एक मां को जर्सी गाय कहते हैं, और एक पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं, एक चुनी हुई मुख्यमंत्री के साथ दीदी ओ दीदी करते हैं, तब उनकी गरिमा कहां चली जाती है? कहां है प्रधानमंत्री पद की गरिमा जब वो अचार के डब्बे पर कहते हैं औरत की फोटो लगा दो अचार का अचार बिकने लगेगा? कहां है प्रधानमंत्री पद की गरिमा की एक चुनी हुई सांसद को अपने बगल में जो बैठी सामने बैठी हुई सांसद को सूपनखा कहते हैं? क्या है प्रधानमंत्री पद की गरिमा की प्रधानमंत्री को रेनकोट पहनकर नहाता हुआ कहते हैं? तो आप सब बोलिए और हम वो सहते रहे, और आपसे अगर एक भी तीखा सवाल पूछ लिया जाए तो आप छुई मुई हैं। अरे आप देश के प्रधानमंत्री हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, थोड़ा सीना चौड़ा करिए और बातें सुनिए, आलोचना सुनिए। इस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति आलोचना भी सुनता है, समाधान भी करता है। आप सिर्फ कभी अपने प्रवक्ता के पीछे, कभी ट्रोल आर्मी के पीछे, कभी सॉरी टू से जो पत्तलकार हैं, जो चरण चुंबक हैं, उनके पीछे छुपे रहते हैं। आप कुछ भी बोलिए तो वो लीला कर रहे हैं आप, हम कुछ बोले तो हम पाप कर रहे हैं, ये तो नहीं चल पाएगा। नमस्कार, मैं हूं देवकीनंदन मिश्रा, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, एक बात और, हमारे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं सबसे पहले आप तक वो पहुंचे।